आज हम कल हमने जो देखे थे एनर्जी, कल से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है एनर्जी। अभी जो एनर्जी के बारे में हमने मैकेनिकल एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी हम आज वो एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो अभी वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी। तो कल हमने ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ऑन अपर द फील्ड्स मोशन। मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है वो भी काइनेटिक एनर्जी। अभी उसका एक्सप्रेशन जो है कि अभी उसके ऊपर जो एनर्जी है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करने की वजह से उसके ऊपर क्या होता है, वर्क होता है। अभी वो वर्क होने के लिए वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और फोर्स की वजह से उसकी क्या हो रही, डिस्प्लेसमेंट हो रही। मगर वो इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट है। इनिशियली वो कैसा है, रेस्ट है। देखना अभी उसका एक्सप्रेशन। अभी एक ऑब्जेक्ट उसका मास जो है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, यम। ऑब्जेक्ट का मास यम। इनिशियली वो रेस्ट है, रेस्ट होने की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो है। अभी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो क्या हो जाएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। यानी आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स अप्लाई करने में इनिशियली वो रेस्ट थी, फिर फोर्स अप्लाई करने की वजह से टाइम टी के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ये सब टाइम की वजह से होगा, फोर्स अप्लाई करने की वजह से टाइम टी के बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो वी हो जाएगी। और फिर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी कुछ उसमें क्या हो रही, वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रही, और उसमें क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट। ए बॉडी है, ए बॉडी का मास यम है, ये इनिशियली रेस्ट है। इसके ऊपर मैंने फोर्स यम अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करी, रेस्ट होने की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, या फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, वी हुई। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी ये बॉडी यहां से यहां तक क्या है, यानी क्या हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। यानी इसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो डायरेक्शन से मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। यानी वो बॉडी के ऊपर क्या हुआ, वर्क हुआ, यानी वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ में तीसरा कौन सा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 as।
अभी यस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यस इक्वल टू क्या रहेगा, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अभी इनिशियली वो रेस्ट है, इनिशियली रेस्ट होने की वजह से यू क्या हो जाएंगे, यू इज इक्वल टू जीरो. तो यू इज इक्वल टू जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. सो यस इक्वल टू क्या रहेगा, इज द हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी. सो यस अभी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है यस की वैल्यू और ये की वैल्यू, ये इक्वेशन वन में यानी इक्वेशन वन है अपना, इसमें क्या करेंगे वो वैल्यू पुट करेंगे. तो क्या हो जाएगा वो डब्ल्यू इक्वल टू, सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू एम ए इंटू एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वो डब्ल्यू इक्वल टू एम या हाफ इधर नहीं लेना, हाफ एम ए का स्क्वायर ए इंटू ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर. तो कहते क्या करेंगे अपन उसको होल ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे. सो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ए टी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर मीन्स ए टी होल ब्रैकेट का स्क्वायर. अभी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी उससे आ जाएगा, अभी से आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी वो इनिशियली इनिशियली बॉडी कैसी है रेस्ट है, तो इनिशियली रेस्ट होने की वजह से v इज इक्वल टू तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, तो जीरो होते बराबर वो क्या हो जाएगा जीरो, इनिशियली वो रेस्ट है जीरो प्लस ए टी, सो v इज इक्वल टू ए टी. अभी ये इक्वेशन को ये जो v इज इक्वल टू ए टी आया, अभी इसको स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, इसको स्केलिंग की तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू ए टी होल ब्रैकेट का स्क्वायर. अभी v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू AT स्क्वायर मींस AT होल ब्रैकेट का स्क्वायर, AT होल ब्रैकेट का स्क्वायर मींस क्या होगा v स्क्वायर. सो v तो फिर क्या आ जाएगा वो इक्वेशन, अभी ये जो वैल्यू है v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू है वो AT, AT होल ब्रैकेट का स्क्वायर मींस क्या होगा v स्क्वायर, तो AT होल ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे. सो w इक्वल टू तो क्या हुआ था अपना वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए टी हाफ ऑफ एम ए टी होल ब्रैकेट का स्क्वायर. तभी वो ये हमारा इक्वेशन था, अभी उसमें क्या करेंगे वो वैल्यू हम पुट करेंगे. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम ए टी स्क्वायर, ए टी होल ब्रैकेट का स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर, जहाँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. अभी ये वर्क क्यों हुआ, ये वर्क हुआ यानी वो बॉडी क्या हुई मोशन में, मोशन में आई यानी वो बॉडी ने क्या किया एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने की वजह से वो बॉडी क्या हुई मोशन में आई यानी वो करके मोशन में आई करके उसके ऊपर क्या हुआ वर्क हुआ. तो ड्यू टू द एनर्जी गेन बाय ड्यू टू एनर्जी गेन by a body, due to energy gained by a body, due to energy gained
what so so the work done so the work done on the body अभी वो बॉडी में एनर्जी गेन करने की वजह से वो बॉडी के ऊपर क्या हुआ वर्क हुआ यानी एनर्जी और वर्क अभी वो एनर्जी कौन सी एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एनर्जी कौन सी गेन की उसने था काइनेटिक एनर्जी कहते वो वर्क हुआ सो वर्क और एनर्जी ये कैसे आएंगे सेम आएंगे कहते वर्क इज इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर ये होगा हमारा इक्वेशन ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी इसके ऊपर के कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू